तकलीफ से तो आप इसी तरह मुंह के बल गिरेंगे। अब एक जन ने आंसर दिया कि ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू आउटपुट करेगा। कहां ये लिखा हुआ है? इन तीनों वैल्यूज को प्लस करके उसका आंसर आउटपुट करो। तो प्लीज आप जो सवाल में लिखा हो एग्जैक्टली उसी सवाल को देकर अपने को इंटरप्रिटेशन दे। स्पेशली वो सवाल जब आपको कहा जाए कि भाई मुझे इस प्रोग्राम की आउटपुट चाहिए, आउटपुट का मतलब है जो लिखा है वही आउटपुट आनी चाहिए, उसको बस ड्राई रन करते जाए और देखते जाए क्या चेंजेस आते जाए बस। अगर आपसे पूछा गया कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है फिर आप सोचें, लेकिन अगर आपको कहा गया बस ड्राई रन करके दिखाए इसका मतलब है कि हम चाह रहे हैं इसकी आउटपुट आप दिखा दें। क्या एंड में आउटपुट तो आप बस केयरफुली देखते जाए, इसका मतलब है जो आंसर आपको चाह रहा ठीक है। ऑलराइट, तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप बस हर लाइन को बारी बारी ठीक है जी। ये क्या करेगा लेक्चर 6650 पढ़ा 25 पढ़ा हुआ, C3 पे 25 पढ़ा हुआ। हाँ जी, ये लाइन क्या करें सर? X के अंदर 25 से करा दीजिए। कितने लोग कह रहे हैं कि ये x के अंदर 25 से करवा दीजिए? कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये 25 से करवाइए? कितने लोग कह रहे हैं कि ये 20 से करो? 25 से करो। 20 कितने लोग कह रहे हैं? गुड। ये इस लाइन का बेटा मतलब ये है कि पहले वो C6 यहाँ पे रखेगा, फिर उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 करेगा, यानी 50 यहाँ पर रखा जाएगा, 50 डिवाइड बाय 2 इज 25। पिछली क्लास में एक बच्चे ने आंसर दिया था, उसने कहा था कि ये एक्चुअली इंडेक्स को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, यानी C3 की वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं। वो ब्रैकेट है? नहीं, ये मतलब ये तब होता है अगर मैंने बाय 2 इसके अंदर लिखा। अच्छा जी, बात चलिए, ये अरे आप ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे टाइप लिखते हैं, यहाँ पे अरे का नाम लिखते हैं, यहाँ पे साइज ठीक है। ये कितने साइज के अरे बनिए सजीत? ये 12 साइज के अरे बनिए, इसके इंडेक्स कौन सा है? 0 से ये लाइन क्या करे जी बताओ? ये लाइन क्या करे? हाँ सर, नाला तो बताओ। दो अरे बना रही है, कितने कितने साइज की? क्या मसला? क्या मसला? हाँ सर, नाला क्या मसला? ये दो अरे बन रही है, 100 साइज की, 100 साइज की, मसला क्या? हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे? इसमें मसला क्या था? मुझे समझ नहीं है तुम्हारी बात, इसमें बोला क्यों नहीं? हाँ क्या ये आपको क्वेश्चन शुरू हो? एक बंदे की हालत खराब हो गई है चले जी। ये प्रोग्राम क्या था? पूरी ट्रेन में आ जाएगा।
इंडेक्स को
को वन, दूसरे को टू, आगे सारे जीरो। तो जितनी वैल्यूज आप कहते हैं वो करता है, बाकी सारी की सारी वो जीरो से निकालता है। अगर ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो वो क्या वैल्यू साइन करेगा? तो वो गार्बेज वैल्यू। यार सवाल सुनने दिया करो यार। जीरो वन टू लिखाओ तो सर पहले पे जीरो सुनेगा, बाकी दूसरे पे वो वन करेगा, तीसरे पे वो टू करेगा, उसके बाद वो सारे जीरो। अगर आप खाली करते हैं खाली वो आपको अलावा नहीं जीरो लिखा जीरो। बात सुन रहे, बात सुन रहे, और बड़ी सिंपल सी बात है वो ये इस तरह की चीज़ें कि मैंने आपको छोटी सी एक डायरेक्शन दे दी है। अब जब आप ये एग्जाम ये जब आप ये एग्जाम का रिव्यू कर रहे हो आप कुछ चला कर देख रहे हैं यार सिंपल सी बात। अब मैं आवाज सुना के जा रहा हूँ आगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ये वो बात है जो आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है? ये ऐसा क्यों करता मुझे नहीं पता भाई, ये लाइन में उन्होंने बनाया है बस, ठीक है? ये देखिए ये एक और तरीका है इनिशियलाइज करने का, ये करेगा ये एग्जैक्टली फाइव साइज की अरे बनाएगा और ये अरे और फाइव साइज की बनेगा। इंडेक्सेस जीरो से लेकर अरे फाइव साइज की होगी, इंडेक्सेस जीरो से फोर तक। हाँ जी ये एरर है क्यों? क्योंकि ये एरर है क्यों? चले जी, अब हम थोड़ा सा ये हमने इनिशियलाइजेशन वाले काम कर लिए, अब हम थोड़ी सी नॉन ट्रिविअल एग्जांपल। प्लीज अपनी निकाले कॉपी, मुझे इस प्रोग्राम की एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए, कोई किसी के कॉपी को देखेगा
वो आपको ऐसे ही सही करेगा, ठीक है?
चलें जी आगे चलते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस होती है वो ब्रैकेट की होती है। सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस होती है वो ब्रैकेट की होती है। उसके बाद जो प्रेसिडेंस होती है वो पहले मल्टीप्लिकेशन की होती है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये सब की एक डिग्री प्रेसिडेंस है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मॉड और उसके बाद वो प्लस और माइनस वगैरह करता है। अगेन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कॉस्ट भी एक वेरिएबल होता है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो अपडेट नहीं होती, ठीक है। अगर आपने कॉस्ट, यार बात सुन ले यार प्लीज, यार ये जो बुक है ना ये पुरानी बुक है और एक्चुअली ये जो जो स्टैंडर्ड यूज करती है वो जी प्लस प्लस स्टैंडर्ड है, ठीक है। हमने अभी तक जो कोड ब्लॉक में काम किया था वो जीसीसी कंपाइलर यूज किया। उसमें आपको अलाउ है कि आप वेरिएबल साइज की अरे बना सकते हैं। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जिस आईडीई पे काम करेंगे वो व्यू स्टूडियो होगा, वो आपको वेरिएबल साइज की अरे नहीं बनाने देगा, ठीक है। वेरिएबल साइज की अरे नहीं बनाने देगा, उसके अंदर ही लिखेंगे तो ही आपका आप एलोकेट कर सकते हैं, या यही आप यूजर से इनपुट करवा के अरे नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं देगा। अच्छा उसमें और उस सेंस में हम करते हैं कि हम एक कॉन्स्ट बना देते थे इंटीजर एक्स जिसकी वैल्यू साइन करते हैं 7। अब वो कॉन्स्टेंट बना दिया तो फिर हम उस साइज का आप अरे बना सकते हैं। कॉन्स्ट बनाने का मतलब पता क्या होता है? कॉन्स्ट का मतलब ये है कि मुझे कंपाइलर को पता है कि मैंने कितने साइज की अरे बनाई। जब आप इसको वेरिएबल डिपेंडेंट करते हैं तो कंपाइलर को पता नहीं होता कि मैं कितनी साइज की अरे बनाऊँ। नई सी में ये अलाव है, जो पुरानी सी तो रहती है या कुछ अभी भी स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो मेरी तो साइज के अरे को नहीं बना। अभी रुक जाओ, अभी चलते हैं बहुत टाइम, चलिए जी अभी चलते हैं। प्लीज ये प्रोग्राम पढ़ें और बताएं ये प्रोग्राम क्या आउटपुट करेगा। प्लीज give me the exact output in one page. That's local equal to 0. I tell you what is it. All of us are same. Total plus. Please, you have written on the page that you have written on the page. This is the way it's going, this is the way value change. Total, this is the way value change. Total, this is the way value change. Please, show me. What point, sir? This is the way loop change. This is the way you make a table. ये टेबल बनाकर फिल करेंगे। ये आपका टेबल है, ये आई है और ये टोटल है, ठीक है। किस तरह वैल्यू आई चेंज हो रही है और किस तरह लूप चल रहा है, आप किस तरह उपयोग Gracias.
Thank you.
ऊपर आज ना क्लास बड़ा